एक बार नगर में भगवान बुद्ध पधारे। उस नगर का मंत्री बहुत ही नेक, ईमानदार और विनम्र था। उसने अपने राजा से कहा, महाराज, हमारे नगर में भगवान बुद्ध स्वयं पधारे हैं। ऐसे में आपको उनका स्वागत करने स्वयं जाना चाहिए। मंत्री की बात सुनकर राजा गुस्से से भड़क गया और बोला, मैं क्यों जाऊं? बुद्ध एक भिक्षु है, उन्हें आना होगा तो स्वयं मेरे महल में मुझसे मिलने आएंगे। विद्वान मंत्री को राजा का घमंड अच्छा नहीं लगा। उसने उसी समय त्यागपत्र लिखा। राजा ने मंत्री का त्यागपत्र पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था, मैं आपके जैसे छोटे आदमी की अधीनता में काम नहीं कर सकता। आप में बड़प्पन नहीं है। राजा त्यागपत्र पढ़कर मंत्री के पास गया और बोला, मंत्री, लगता है तुमने यह त्यागपत्र गलतफहमी में लिखा है। मैं बड़प्पन के कारण ही बुद्ध के स्वागत के लिए नहीं जा रहा हूं। राजा की बात सुनकर मंत्री बोला, राजन, अकड़ और घमंड बड़प्पन नहीं है। आप शायद भूल रहे हैं कि भगवान बुद्ध भी कभी महान सम्राट थे। उन्होंने आध्यात्म की प्राप्ति हेतु सारा वैभव त्याग कर भिक्षु का पात्र ग्रहण किया है। मंत्री बोला, राजन, आप तो भगवान बुद्ध से बहुत पीछे हैं, क्योंकि सम्राट होने पर भी उनके मन में दया, विनम्रता, नेकी थी। वास्तव में इंसानियत के गुणों से विभूषित मनुष्य ही उच्च आध्यात्म व ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तभी तो भगवान बुद्ध अपने कार्य में सफल हो पाए। मंत्री की बातें सुनकर राजा का घमंड चूर चूर हो गया और वह उसी समय मंत्री के साथ भगवान बुद्ध का स्वागत करने के लिए गया और उनके चरणों में गिरकर उनसे दीक्षा देने का अनुरोध किया। भगवान बुद्ध ने राजा को सहर्ष गले लगाया और दीक्षा देकर उसे स्वीकार कर लिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार फल आने पर वृक्ष झुक जाता है, उसी प्रकार धन, ऐश्वर्य, पद आने पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए।